देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में भी रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें। करंट लगने से युवक की मौत, 4 एक्टिव संक्रमित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अंतर्गत जारी की गई छूट को नागपुर महानगर पालिका ने भी शहर में जस का तस लागू किया है। शहर में भी दुकानें, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मेट्रो रेल नियमित तौर पर शुरू रहेगी, लेकिन वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा खुले परिसर में विवाह समारोह में 200 लोग और सभागृह हॉल में 50% उपस्थिति की मर्यादा रहेगी। अंतिम संस्कार में 50 लोगों की शर्त रहेगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, धार्मिक स्थल और थिएटर अभी बंद रहेंगे। दूसरी खबर, खेत में गए सिंचाई के लिए युवा किसान की करंट लगने से मौत हो गई। उक्त मामला दही गांव मिस्किन में सामने आया है। उमेश ने ठेके से खेत लिया था, जहां 10 अगस्त की दोपहर वह फसलों को पानी देने के लिए गया, परंतु सिंचाई के दौरान बिजली मीटर का करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में दाखिल किया गया, परंतु उसकी मौत हो गई। प्रकरण में सावंगी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तीसरी खबर, वर्धा जिला वलाद की कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। पिछले 24 घंटे में 382 की टेस्ट हुई है, इसमें एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। वहीं शुक्रवार को 3 लोगों ने कोरोना पर मात दी। इसके साथ जिले में अब केवल 4 ही एक्टिव मरीज शेष है, जो शीघ्र ही ठीक होकर अपने घर लौट जाने की जानकारी प्रशासन ने दी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक इन हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इससे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।